बदलते समय के साथ विज्ञान और तकनीकी ने काफी तरक्की कर ली है। इस तरक्की से मनुष्य का जीवन काफी आसान हो गया है। तकनीकी के विकास की वजह से आज हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन कुछ मामलों में तकनीकी और विज्ञान आज भी मानव जीवन को और आसान बनाने पर काम कर रही है। एक अनोखी तकनीकी की मदद से रेगिस्तान में खेती करना बेहद आसान हो गया है। आमतौर पर रेगिस्तान का तापमान काफी गर्म रहता है, जिसकी वजह से वहाँ फल और सब्जियों की खेती नहीं हो पाती। लेकिन ग्रीन हाउस तकनीकी के माध्यम से रेगिस्तान में भारी मात्रा में फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रेगिस्तान में खेती की जा रही है। वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान में समुद्र के खारे पानी और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके फल, टमाटर और खीरे जैसी सब्जियां उगाने का तरीका निकाला है। ब्रिटेन की सी वाटर ग्रीन हाउस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, सोमालीलैंड, अबू धाबी, ओमान और टेनेराइफ के रेगिस्तान में एक नई तकनीकी वाला ग्रीन हाउस तैयार किया है। रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए ग्रीन हाउस में मोटे गत्तों का इस्तेमाल किया गया है, जो ग्रीन हाउस के अंदर ठंडक बनाए रखने में मदद करते हैं। ये ग्रीन हाउस शीशे से बनाया गया है। इस ग्रीन हाउस के अंदर ठंडक और नमी बनाए रखने के लिए गत्तों से बने कूलिंग हाउस बनाए गए हैं। कूलिंग हाउस बनाने के लिए इन गत्तों को पहले गीला किया जाता है, फिर जब इन गत्तों पर बाहर की गर्म हवा पड़ती है तो वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान कम हो जाता है। गत्तों को गीला करने के लिए सोलर पंप लगाए गए हैं। ये पंप समुद्र का खारा पानी गत्तों के ऊपर छिड़कते रहते हैं। समुद्र के खारे पानी की वजह से गत्तों पर नमक की परत जम जाती है। लेकिन गत्तों पर नमक के जमा होने के भी दो फायदे हैं। एक, नमक की वजह से गत्ते मजबूत हो जाते हैं, और दूसरा, इस नमक को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खेत के माध्यम से सोमालीलैंड के रेगिस्तान में हर साल करीब 750 टन टमाटर उगाया जा रहा है। सोमालीलैंड में सिर्फ 2000 हेक्टेयर के इलाके में ऐसी खेती करने से करीब 40 लाख लोगों का पेट भर सकता है। इस अनोखे ग्रीन हाउस का निर्माण करने वाली कंपनी के संस्थापक चार्ली पैटन का कहना है कि वे दुनिया के दूसरे इलाकों में इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए काफी उत्साहित हैं।